ये है V27 और ये है V29 V27 को 2023 या 24 में ले सकते हैं क्या V27 या V29 में कैमरे में ज्यादा फर्क है V27 में जो बैटरी बैकअप है और V29 और V27 या V29 में ज्यादा डिफरेंस है तो वो बताता हूँ तो दोस्तों क्या हालचाल है ये है हमारे पास Vivo का V27 और आप में से काफी ज्यादा लोग कमेंट करते हो कि क्या Vivo V27 वी को 2023 में या 2024 में लेना सही रहेगा वर्थ रहने वाला है वैसे तो यह आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर कहीं देखने को मिलता है वो होगा आपको सेकेंड हैंड हो सकता है मिल जाए ऑनलाइन आपको तो देखने को मिल ही रहा है तो यहाँ पे मैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ आपके वो सारे कॉमेंट है उनका जवाब मैं देने वाला हूँ इस फोन से रिलेटेड वी से या वी या वी बेटर है सारी बात हम करेंगे इस वीडियो में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा आपके इस वीडियो के बाद सबसे पहले बात करते कॉमेंट मुझे आता है क्या वी को दो या चौबीस में ले सकते हैं क्या वर्थ है वो मैं सबसे पहले बताता हूं देखो सबसे पहले ये है वी ट्वेंटी सेवन फोन सही था लेकिन अभी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम है तो हीटिंग वाली और वहां पे कैमरे में लैग जिटर ये सारी प्रॉब्लम इसमें है तो इस हिसाब से आप ले तो सकते हो अगर आपके पास बजट कम है सेकेंड हैंड पे सही मिल जाए प्राइस और फोन की कंडीशन ठीक है डेफिनेटली ले सकते हो लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा अगर आप 25, 26, 24 के में V27 को लेने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिलाने के बाद आपको और भी ऑप्शंस तो बोलूंगा अगर आप 2024 में V27 लेना वो भी या हजार ऑफर में ले सकते हो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरे में सही है ओवरऑल गेमिंग भी आप कर ही सकते हो लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा कॉमेंट की बात करें मुझे काफी ज्यादा कॉमेंट आता है कि क्या वी या वी में ज्यादा डिफरेंस है तो वो बताता हूं ये है V27 और ये है V29 Pro तो यहां पे चाहे V29 हो या V29 Pro हो या V27 27 Pro हो मैं सबकी बात कर रहा हूं अगर आपके पास मान लो V27 है आप चाहते हो V29 पर अपग्रेड करना तो हां अगर आपके पास बजट है डेफिनेटली कर सकते हो इसके कैमरे से इसके कैमरे में मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर ही कैमरा देखने को मिला है वी में तो डेफिनेटली यहां पे V29 आप ले सकते हो अगर आपके पास बजट है और अगर आप लेना चाहते हो V29 ज्यादा बेटर चॉइस हो जाएगी क्योंकि इसमें जो इसमें कैमरा है उससे बेटर कैमरा है और यहाँ पे आपको V29 में एक और लाइट भी देखने को मिलती है जो कि एक अलग एडवांटेज है V27 से इसमें भी आपको एक फ्लैश मिलता है लेकिन वहां पे रिंग लाइट है लेकिन वहां पे ये वाली थोड़ा ज्यादा बेटर है तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास बजट है डेफिनेटली वी पर जा सकते हो अगर मैं अपना तीसरा कॉमेंट लूँ काफी ज्यादा लोग का यह भी कॉमेंट है क्या V27 की जो बैटरी बैकअप है V29 से खराब है या V29 के थोड़ा ज्यादा बेटर है वो कॉमेंट आपका रिप्लाई दू V27 में जो बैटरी बैकअप है और V29 में मुझे जो लगता है अगर आपका ज्यादा हैवी ड्रेन हो रहा है तो अलग बात है मेरे वाले में सात घंटे का बैकअप ये भी देता है वी ट्वेंटी सेवन और साथ से साढ़े सात घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम V29 भी देता है तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस मैं बैटरी में नहीं बोलूंगा V27 से 29 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों एग्जैक्ट सेम ही बैटरी बैकअप है थोड़ा सा 19 बीस का फर्क V29 में आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो ओवरऑल दोनों बैटरी में सिमिलर है अगला तो कमेंट जो मुझे था कि क्या V27 या V29 में कैमरे में ज्यादा फर्क है तो यहां पे हाँ फर्क कैमरे में डेफिनेटली है V27 में आप जानते हो रेड फेस की प्रॉब्लम है अगर अगर आप 4K 30 पर वीडियो शूट करोगे V27 से यहां पे आपका जो फेस होगा जो धूप पे सनलाइट पर वो थोड़ा सा रेड टोन में जाता है जो कि मुझे पर्सनल पसंद नहीं आता है लेकिन V29 में अगर मैं बात करूं 4K 30 पर बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम रेड फेस वाली रेड टोन वाली नहीं है जो कि आपके V27 में है वीडियो में तो यहाँ पे नहीं नहीं अगर हम फोटोज की बात करें फोटोज में आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा V27 V29 में ज्यादा फर्क है ही नहीं मतलब चाहे वो पोर्ट्रेट हो वन एक्स हो या अल्ट्रा वाइड हो फ्रंट हो सेम टू तो सेम मुझे कोई फर्क लगता ही नहीं है दोनों कैमरा एग्जैक्ट सेम है तो फोटोज में तो बिल्कुल सेम है और यहाँ पे वीडियोस में हाँ ये थोड़ा आगे और V27 में कलर बूस्टेड वीडियो ज्यादा आती थी लेकिन अब की बार V29 में कलर बूस्टिंग को कम किया गया है नेचुरल साइड थोड़ा सा रखा गया है तो यहाँ पे V29 का वीडियो मुझे थोड़ा ज्यादा सही लगता है V27 के मुकाबले अगर हम कलर बूस्टेड वाली बात करें वैसे कलर बूस्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको ज्यादा बूस्टेड पसंद है या थोड़ा सा नेचुरल वो आपके ऊपर है बाकी इसमें बता दू थोड़ा सा कलर बूस्ट कम होता है वी में वीडियोज में अगले कमेंट की बात करो क्या इन दोनों फोन के डिस्प्ले में फर्क है चाहे वो V27 हो या V29 हो तो मैं यहां बोलू दोनों के डिस्प्ले सेम है 6.78 इंच के 120 हर्ट्ज के साथ और वो भी एमोलेड तो यहाँ पे डिस्प्ले में मुझे कोई फर्क नहीं लगा और हाँ एक चीज बोलूंगा वीडियोस वगैरह में दोनों एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे कोई ब्राइटनेस की भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक प्रॉब्लम V27 में है अगर आप इसको धूप में यूज करोगे तो यहाँ पे इसका ब्राइटनेस मतलब लो हो जाता है तो ये प्रॉब्लम इसमें है अगर आपका फोन हीट होता है तो आउटडोर में आपको प्रॉब्लम होगी विजिबिलिटी की ये हीट होता है यहाँ पे कोई ब्राइटनेस लो वाली प्रॉब्लम अभी तो मुझे नहीं मिली है आखिर विंटर का टाइम है लेकिन हाँ उतना ये हीट भी नहीं होता है इसके मुकाबले तो डिस्प्ले में एग्जैक्ट सेम है अगर हम ब्राइटनेस को छोड़ दें हीटिंग को छोड़ दें अगला कमेंट मुझे काफी ज्यादा आता है कि क्या V29 से ज्यादा हीट या मतलब V29 हो या V27 हो दोनों सेम ही हीट होते हैं या थोड़ा सा इसमें कम है मैं एक चीज बोलू V29 का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन है लेकिन पुराना प्रोसेसर है लेकिन फिर भी ये V27 से कम हीट होता है V27 का जो प्रोसेसर है 70, 200, ये ज्यादा हो रहा है इस टाइम बाकी इसका जो प्रोसेसर है ये नेक्स्ट लेवल चल रहा है मतलब स्नैपड्रैगन पुराना प्रोसेसर होने के बाद भी यहाँ पे हीटिंग कम है अगला में अगर मैं बताऊं अपने हिसाब से कि यहाँ पे स्पीकर जो मिलते हैं दोनों में सिंगल स्पीकर मिलते हैं आपको डबल स्पीकर नहीं मिलते तो स्पीकर के मामले में दोनों सेम है यहां पे ज्यादा फर्क नहीं है तो मैं एक चीज डेफिनेटली बोल सकता हूं कि V27 और 29 में ज्यादा फर्क नहीं है जहां फर्क है वो है कैमरा और वो हो सकता है थोड़ा सा यहां पे ऑप्टिमाइजेशन में फर्क होगा बैटरी में थोड़ा सा बाकी ओवरऑल दोनों सेम ही है अगर आपके पास V27 है तो मुझे नहीं लगता कि V29 पे अपग्रेड करना चाहिए हाँ अगर आपके पास बजट है तो कर सकते हो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन हाँ अगर आपके पास ये फोन सही चल रहा है तो कोई जरूरत है ही नहीं वी ट्वेंटी नाइन पर आने की जब तक कि आप वी ट्वेंटी नाइन ना जाओ क्योंकि वी ट्वेंटी सेवन से वी ट्वेंटी नाइन पर बहुत फर्क है हर चीज में यहां पे मैं यही बोलूंगा ओवरऑल दोनों फोन एग्जैक्ट सेम है आपके पास कौन सा है मुझे कमेंट में बता सकते हो या कैसा चल रहा है वो भी बता ही सकते हो और हम लोग टच करने वाले हैं बहुत ही जल्दी लाइफ के सब्सक्राइबर तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ और आई होप मैंने जितने कॉमेंट ज्यादा आते थे उन्ही को लिया है और आपके वो कॉमेंट्स में जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट भी कर सकते हो तो फिर गाइज मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय